हे hey, नमस्कार। मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं लाइव हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, मतलब मैं उसका आंसर देने के लिए आया हूँ। अभी फिलहाल तो लाइव हूँ तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन है, 700 रैंक है इनका, ठीक है। ये पूछ रही हैं कि क्या करना चाहिए मुझे। तो इसका आंसर देखिए, 700 रैंक इज अ गुड रैंक, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सच में रैंक अच्छा है आपका। वो अलग बात है कि इंडिया में सीट्स कम है तो थोड़ी प्रॉब्लम है, बट रैंक इज गुड। इस रैंक पर आपको थर्ड राउंड मॉप अप राउंड में शायद, या फिर आपके स्टेट में आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांच आराम से मिल जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। और अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और 700 रैंक आप लाए हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप एक ड्रॉप ले लीजिए। टेक अ ड्रॉप, ड्रॉप लीजिए। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो DPA ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। अब मेरी टीम से बात कर लीजिए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। दिल्ली से बाहर रहते हैं देन गो फॉर ऑनलाइन DPA, इट्स रियली गुड, इट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर रैंक। एक और क्वेश्चन है कि लाइव क्वेश्चन आ गया, एनी अपडेट अबाउट काउंसलिंग? देर इज नो अपडेट, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई अपडेट हो ही नहीं सकता अभी, जब उन्होंने एक डेट दे दिया है कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और लास्ट वीक ऑफ जुलाई। तो जो भी होगा तभी होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। हॉइज सीडीज इंस्टीट्यूट, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, बुरा है नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है आप पे। सीडीज के साथ प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि आप सॉरी, सीडीज में ये कहा जाता है आपसे कि आप जो है ये चैप्टर कंप्लीट करके आइएगा एंड वी आर डिस्कस ऑन दैट। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं कि हाँ ठीक है मैं खुद से चैप्टर पढ़ूंगा, फिर जाऊंगा, फिर मैं डाउट पूछूंगा, फिर डिस्कशन टाइप क्लास होगा, देन सीडीज इज गुड। बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, कि आपको लगता है कि एवरेज है, ज्वाइन DPA, ठीक है। और मेरी टीम कंप्लीटली हेल्प कर रही है DPA के लिए, मतलब हमने उनसे बात किया था स्पेशली DPA में कि सर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उतना फी नहीं बियर कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा फी नहीं दे पाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट फीस, फी बहुत कम कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक मैं नॉवेल कोर्स के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, DPA के साथ। कोई अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे होंगे ना कि हाँ मैं DPA कह रहा हूँ तो मतलब कुछ बेनिफिट्स होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और प्लस क्या है ना वहाँ पे कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाता है डॉक्टर BJ के साथ, ठीक है। डॉक्टर BJ सर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन DPA तो आप एक बार मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट, मुझसे तो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाइएगा, मेरी टीम से एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, और ज्वाइन DPA। अब मेरी टीम को बोलिएगा कि मैम यू वांट टू ज्वाइन, तो वो आपको बहुत अच्छे पैकेज में वो कर देंगे, बहुत बहुत मिनिमल पैकेज में, ठीक है। बट उनका एक शर्त है कि आपका ना अभी का रैंक अच्छा हो, मतलब आप थोड़े पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तभी। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो टाइम पास की तो बिल्कुल DPA ज्वाइन मत कीजिएगा, कोई मतलब नहीं है फिर। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, विच गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेस्ट फॉर ऑर्थो? GDC बॉम्बे, GDC गोवा। अगर आप साउथ में जाना चाहते हैं GDC केरला, कोई भी उठा लो तीनों में से, दे आर बेस्ट फॉर ऑर्थो एंड OS, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। क्वेश्चन है, सर आई बिलोंग टू बिहार, आई कंप्लीटेड माई BDS फ्रॉम कर्नाटका, आई वॉन्ट टू नो कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ। ओके, देखिए अगर आपने BDS किया है कहाँ से, कर्नाटका से, और आप जो है बिलोंग वहाँ से नहीं करते, डोमिसाइल नहीं है आपके पास, सिर्फ आपने वहाँ से BDS कर रखा है,
तो आप कैटेगरी बी में आते हैं, मतलब आपकी जो फी होगी, मतलब आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा बट प्राइवेट सीट आपको इजीली मिल जाएगी। और जो ना BDS की है वहाँ से, ठीक है, और ना ही उन्होंने किया है वहाँ से MDS, सॉरी ना आपका डोमिसाइल है ना ही आपने BDS किया। एक्चुअली आई एम नॉट वेल, इसलिए मैं 2 दिन से लाइव नहीं आ रहा था। तो आप कैटेगरी सी में चले जाते हैं, मतलब कैटेगरी ए में वो लोग आते हैं जो लोग की BDS प्लस डोमिसाइल है कर्नाटका का। कैटेगरी बी में वो लोग आते हैं जिनके पास डोमिसाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका से BDS के, और सी में वो आते हैं जो ना BDS के ना डोमिसाइल है। ओके, GDC फॉर ओरल, सॉरी एक और उसके पहले क्वेश्चन है, सर मेरा रैंक 3.5K रैंक है, ओके, जनरल कैटेगरी, कैटेगरी बी इन कर्नाटका, इंडो या पीडो में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? रमैया मिल जाएगा, RV मिल जाएगा, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस मिल जाएगा, कोट्स मिल जाएगा, ऑक्सफोर्ड मिल जाएगा, दे आर गुड, यू कैन ट्राई, कोई इशू नहीं। GDC फॉर ओरल सर्जरी, GDC फॉर ओरल सर्जरी गोवा ज्वाइन कर लीजिए, KGMU ज्वाइन कर सकते हैं आप, GDC अगर आप केरला साइड ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके तीनों के तीनों अच्छे हैं, 3 GDC है, तीनों अच्छा है। सर हाउ इज आर अहमद फॉर इंडो एंड प्रोस्तो? बोथ आर गुड, दोनों बहुत अच्छा है, बट अगर कोई आर अहमद से ऑर्थो करना चाहता है तो आंख बंद करो और चले जाओ, इट्स अ बेस्ट। GDC बॉम्बे और KGMU, विच वन इज बेटर फॉर प्रोस्थो इम्प्लांट स्पेशली? KGMU इज गुड। मैत्री अच्छा कॉलेज है, मतलब ना उस स्टेट के लिए तो वो सबसे अच्छा कॉलेज है, तो यू कैन ज्वाइन देयर, कोई इशू नहीं है। पीडो और प्रोस्थो की बात करेंगे तो मैं कहूंगा गो टू प्रोस्थो, नॉट पीडो। सर हाउ इज सरदार पटेल फॉर ओरल सर्जरी? देखो सरदार पटेल में ओरल सर्जरी मत ज्वाइन करो, ओरल सर्जरी अगर आप ज्वाइन करो तो सुभारती ज्वाइन कर लो आप, ठीक है, मतलब यूपी में अगर ज्वाइन करना चाहते तो सुभारती ज्वाइन कर लो, रामा ज्वाइन कर लो। अगर सरदार पटेल ज्वाइन कर रहे हो देन ज्वाइन ऑर्थो इंडो प्रोस्थो, रियली गुड, बेस्ट कॉलेज फॉर OS इन इंडिया। KGMU, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, देन GDC केरला, सविता, मणिपाल, DY पाटिल। सर कर्नाटका कैटेगरी बी का फी क्या होता है अप्रॉक्स? वो एक प्रॉस कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट करता है, बस 5.5 से स्टार्ट होता है और 6.9 पे फिनिश हो जाता है। सर प्लीज टेल अस अबाउट MP काउंसलिंग। देखिए MP काउंसलिंग के बारे में क्या बोलूँ मैं, अगर आप MP से बिलोंग करती हैं तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए वहाँ पे, बट अगर आप MP से बिलोंग नहीं करती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस ही आपको अनुजोल से चीज़ें देखने को मिलेगी और मैं ज़्यादा जल्दी नहीं बोल पाऊँगा, सॉरी। सर हाउ इज अमृता फॉर इंडो एंड OS? अमृता ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन फॉर ओरल सर्जरी, इट्स रियली गुड। सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? अगस्त में होगी, सो प्लीज़ अभी से ज़्यादा पैनिक मत होइए, और अगर कहीं से कोई न्यूज़ मिलती है आपको कि जल्दी स्टार्ट होने वाली है तो कोई एविडेंस नहीं है उस न्यूज़ का, तो विदाउट एविडेंस बात करना इज़ नॉट गुड। फॉर दोज विथ हैव नो फैमिली बैकअप, ऑब्टेनिंग OS इज सेफ अकॉर्डिंग टू यू इन द गवर्नमेंट कॉलेज और बेटर टू गो फॉर इंडो? देखिए अगर आप ओरल सर्जरी के लिए जा रहे हैं, यू आर द वन जिसका 53 रैंक है जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर यू ओरल सर्जरी आप ले सकते हैं, फैमिली बैकअप की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ आप SR के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एम्स दिल्ली में SR की बहुत सारी सीट आती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। सर आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, GDC ओरल सर्जरी, सर मुझे फूड के बाद इशू रहता है, क्या इशू रहता है? नियर बाई स्टेट
वॉट अबाउट मिड्स, आपकी रैंक कितनी है? रैंक आपकी अच्छी होगी तभी तो आपको मौलाना आजाद मिलेगा ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, रैंक है इनका 2711, ठीक है, एंड वॉन्ट इंडो, सर क्या चांसेस है डीम यूनिवर्सिटी में मुझे इंडो मिल जाएगा? देखिए बिल्कुल मिल जाएगा, विदाउट एनी इशू मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। सर क्या एलाइनर के वजह से औरतों पे इफ़ेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, ये पूछने की कोई बात ही नहीं है, 100% होगा। सर प्लीज़ मेक अ वीडियो रिगार्डिंग एमपी काउंसलिंग प्रोसेस। हाँ श्योर, मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं। रैंक अंडर 50 है, ठीक है, देन टेक मौलाना आजाद। और अगर आप दिल्ली से ही हैं तो आपने दिल्ली से ही किया होगा अपना BDS कंप्लीट, या तो आप मेरे कॉलेज से होंगे जामिया से, या तो फिर मौलाना आजाद से, या तो ESIC से, इन तीन के अलावा किसी और कॉलेज से आप होंगे नहीं। अगर इन तीन में से हैं तो अंडर 50 रैंक है तो आपको मिल जाएगा मौलाना आजाद। अंडर 50 रैंक नहीं है तो भी आपको नॉर्थ मिल जाएगा, मतलब लखनऊ मिल जाएगा, BHU मिल जाएगा, AMU मिल जाएगा, ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, मिल जाएगा आपको। सर प्लीज मेक अ वीडियो रिगार्डिंग कॉलेजेस इन कर्नाटका एंड केरला एंड कर्नाटका। हाँ ठीक है, मैं बना दूंगा। सर आप कौन से स्टेट से हैं? मैंने अपना BDS कंप्लीट किया है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से, और दिल्ली में ही मैं सेटल्ड हूँ एट प्रेजेंट, और बिलोंग मैं करता हूँ बिहार से। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। विच वन इज बेटर, DY पाटिल पुणे वाला या फिर DY पाटिल बॉम्बे? देखिए इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि DY पाटिल जो बॉम्बे वाला है उससे बेटर है कि DY पाटिल पुणे ज्वाइन कीजिए। और सेम कंडीशन भारतीय विद्यापीठ के लिए भी है कि अगर आप बॉम्बे और पुणे में पूछेंगे तो बेटर वन इज पुणे वाला, नॉट बॉम्बे वाला। सर मैंने PGI रोहतक से किया है, तो फिर आप PGI रोहतक ही ले लो, इट्स अ बेटर, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ले लो, आपका रैंक 1-2 में होगा वहाँ पे स्टेट में, अगर टॉप 50 में है तो मिल जाएगा, क्योंकि मिड्स तो 50 रैंक पर नहीं मिलना है ओरल सर्जरी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो PGI में ही ले लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। PGI रोहतक ठीक है आपके लिए, दिल्ली के पास भी है, 3 घंटे का रास्ता है, और कोई इशू नहीं होगी, ऑलरेडी आपने वहीं से अपना BDS कंप्लीट किया है, तो आपको MDS में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर माय रैंक इज 10999, कॉलेज फॉर 4-5 लाख पर ईयर, UP में करना पड़ेगा इस रेंज में, और तो कहीं नहीं मिलेगा। सर हाउ टू स्टार्ट अगेन प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, ज्वाइन सम कोचिंग। मैं तो कहूँगा कि अगर अच्छा रैंक था और सीरियस हो पढ़ने में, एक बार मेरी टीम से बात करो, ज्वाइन DPA, ठीक है, डेंटल पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लो दिल्ली वाला, ठीक है, इट्स रियली गुड। सर कैटेगरी रैंक कब तक आएगा? उसमें टाइम लगता है, वो काउंसलिंग से पहले आ जाता है, थोड़े टाइम पहले आ जाएगा, ठीक है। और जो लोग भी फिर से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ज्वाइन DPA इज वन ऑफ द गुड, ओके। और DPA ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो हम लोग अभी उसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था कि मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन पहुँचे, मतलब कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आफ्टर BDS MDS करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू और रीज़न वो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया था सर से कि प्लीज़ एक ऐसा बैच सेपरेट बना दो जिसमें अच्छे बच्चे भी हों, इफ़ेक्टिव हो, इकोनॉमिकल हो, कॉस्ट बहुत कम हो, तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन तो आप मेरी टीम से एक बार बात कर लो, ठीक है। बस अगर आप रियली में करना चाहते हो MDS गवर्नमेंट कॉलेज से तभी आप मैसेज करो, नहीं तो प्लीज़ डोंट वेस्ट द सीट, वो किसी एक सीट उसको जाएगा जो लोग कि सच में करना चाहेंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट है मेरे पास जो कि मेरी टीम ऑफर कर सकती है, बहुत लिमिटेड सीट है, क्योंकि उन्होंने फीस बहुत कम कर दिया इन सीट्स के लिए, 25 सीट्स आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें 5 लोगों ने आज ही एडमिशन ले लिया है, 20 सीट बची है, तो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टॉक टू माई टीम, बट सीरियस हो तभी।
सर रैंक इज 1808, वांट इंडो और वास्तो, बजट 7 लाख रुपीस पर ईयर। हाँ मिल जाएगा, दिल्ली NCR में मिल जाएगा, UP में मिल जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6069 रैंक है, इज देयर एनी चांस टू सिक्योर अ फ्री सीट इन ऑल इंडिया? कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। फ्री सीट का मतलब होता है सर आपका रैंक अंडर 400-300 होगा तभी, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। 6000 रैंक पर तो ST में भी आओगे तब भी नहीं होगा। 14K रैंक OS इन एनी कॉलेज इन UP मिल सकता है, वंस कॉन्टेक्ट मी। विच कॉलेज बेस्ट, BVD लखनऊ और सरदार पटेल फॉर OS एंड इंडो? इंडो के लिए ज्वाइन करना है तो सरदार पटेल ज्वाइन कर लो, OS दोनों में किसी का अच्छा नहीं है। सर हाउ इज PDM डेंटल कॉलेज बहादुरगढ़ वाला? नहीं अच्छा है, नॉट सो गुड। इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन, बट इट्स नॉट गुड। वन एट वन सेवन रैंक, वेयर आई कैन गेट? डिपेंड अपॉन योर बजट, क्योंकि आपका रैंक बहुत अच्छा है आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा विदाउट एनी इशू, बट फिर डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। IDS बरेली हाँ अच्छा है, ज्वाइन कर सकते हो इंडो के लिए, OS के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो, OS भी इसका ठीक ठाक है। आई थिंक हो गया जो भी क्वेश्चन था, सो गुड नाइट एवरी वन, टेक केयर। एंड मैंने जो बोला है आई थिंक 20 सीट्स आर लेफ्ट देयर, तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट बैच तो मेरी टीम से जरूर एक बार बात करना। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।